वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेटर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के ऊपर सिस्टमिक स्टडी की और ये बताया कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स मटर यानी कि बी प्लांट पर किए और जब वे अपनी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने मटर में कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोटिस किए, जैसे कि सम प्लांट्स आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम हैव पर्पल फ्लावर, सम हैव व्हाइट फ्लावर, सम हैव येलो सीड, सम हैव ग्रीन सीड। तो मेंडल ने इस तरह के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को सिलेक्ट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो दो तरह के थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मींस वन, डाय मींस टू। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हर संकरण है जिसमें किसी एक ही लक्षण के हम दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके लिए हम लंबाई को कैरेक्टर ले सकते हैं, सीड कलर ले सकते हैं, कार कलर ले सकते हैं। इसी तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस हर संकरण है जिसमें हम दो कैरेक्टर या दो एलील की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, इसके लिए हम बीज का आकार और बीज का रंग ले सकते हैं। आज की इस क्लास में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर को लेते हैं, तो यहाँ पर मेंडल ने हाइब को एज अ कैरेक्टर लिया है और उन्होंने पेरेंट जनरेशन के रूप में दो प्लांट्स लिए जिसमें से एक प्योर बी टॉल और एक प्योर बी डॉट प्लांट था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी टी है और इसका जीनोटाइप स्मॉल टी टी है, मींस दिस इज अ होमोजाइगस टॉल एंड दिस इज अ होमोजाइगस डॉट। मैंने इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया और उन्हें जो एफ1 जनरेशन या जिसे हम फर्स्ट क्लियर जनरेशन भी कहते हैं, जो उन्हें फर्स्ट क्लियर जनरेशन मिली उसमें हमें सारे ही प्लांट्स जो मिले वो कैसे थे, फिजिकली टॉल थे। फिजिकली टॉल मतलब उसका जो फीनोटाइप था वो टॉल था। जो कैरेक्टर फिजिकली शो होता है उसे हम फीनोटाइप कहते हैं और जो जीन इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो फीनोटाइप है वो क्या है, टॉल है, और इसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी विद स्मॉल टी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें सारे ही टॉल प्लांट है और जीनोटिपिकली ये सब कैपिटल टी विद स्मॉल टी है। ये कैसे होता है हम यहाँ समझेंगे। हमारी पेरेंट जनरेशन है, इसमें रिप्रोडक्शन होगा और दो तरह के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ जो गैमेट बनेंगे वो होगा कैपिटल टी और यहाँ जो दो गैमेट बनेंगे वो होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये एक चेकरबोर्ड मेथड है जिसे पंडित ने बताया था, इसके द्वारा होने पर हमें आसानी से समझ में आता है कि कैसे हमें एफ1 जनरेशन मिलती है। इसमें से हम एक पेरेंट को ऊपर लिखेंगे, हमने ये कैपिटल टी टी को टॉप पर लिखा और स्मॉल टी टी हम राइट हैंड साइड पर नोट करेंगे। अब रिप्रोडक्शन में जो दोनों गैमेट में फ्यूजन होता है, जब फ्यूज होता है तो यहाँ पर बनता है कैपिटल टी विद स्मॉल टी, कैपिटल टी विद स्मॉल टी। ये और ये भी फ्यूज होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो हमें एफ1 जनरेशन मिल रही है इसमें सारे ही प्लांट फिजिकली टॉल है और जीनोटिपिकली ये कैपिटल टी विद स्मॉल टी वाले हैं। तब मेंडल ने नोटिस किया कि जब भी कभी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आता है तो केवल कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो स्मॉल टी होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या दबा ही रह जाता है। तो इसमें मेंडल ने बताया कि हमेशा जो कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा उसे हम डोमिनेंस कहते हैं या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और जो अपने आप को शो नहीं कर पाता उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी विच इज रिसेसिव। अब मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और मेंडल ने इसमें से जो दोनों एफ1 जनरेशन के प्लांट थे इनके बीच में मेंडल ने सेल्फिंग कराई, मीन सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो जो उन्हें एफ2 जनरेशन मिली, तो एफ2 जनरेशन में उन्हें 3:1
टॉल एंड शॉर्ट मैमलियन, मतलब कि तीन पौधे लंबे थे तो एक पौधा उसमें कैसा था, बौना था। इसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी F1 जनरेशन है, जिसको हमने कैपिटल टी स्मॉल टी से शो किया है। तो इसमें जब जो गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसमें अब आप ध्यान रखेंगे गैमेट कैसे बनते हैं, तो यहाँ भी दो तरह के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसे इसमें से एक गैमेट को टॉप पे लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चूंकि ये गैमेट है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ फ्यूजन होने में कैपिटल टी से हुई। इसके बाद यहाँ पर ये कैपिटल टी की मैचिंग स्मॉल टी से हुई, और इस कैपिटल टी की मैचिंग यहाँ पर इसकी मैचिंग इससे हुई, कैपिटल टी की स्मॉल टी से। और ये वाली ये टी और ये टी है, इसकी मैचिंग इस तरह हुई, तो हमें ये दो स्मॉल टी यहाँ पर मिले। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि ये हमारा प्योर टॉल है, ये दोनों हाइब्रिड टॉल है और ये प्योर टॉल है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आता है तो कैपिटल टी ही शो होता है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3 डॉल प्लांट है और एक हमारे पास डॉग प्लांट है। यदि हम इनका फीनोटाइप देखें तो फीनोटाइप क्या होगा, हमारा डॉल कितने होंगे 3 और डॉग कितना होगा 1। और यदि हम इनका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या होगा, हमारा जीनोटाइप में टॉल हमारे पास 1 है और टीटी वाले 2 है और ये डॉग भी हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो है वो क्या है, जीनोटिपिकली 1:2:1। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये जो डॉग प्लांट था जो हमें F1 जनरेशन में नहीं मिला था, ये सेकंड सीरियल जनरेशन में फिर से अपने आप को शो करता है। इट मींस कि ये जो गैमेट थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपस में मतलब मिश्रित नहीं होते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, बल्कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है तो ये अपने आप को फिर से शो करता है। तो यही मैंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था, जिसमें कि बहुत अच्छे से नोटिस करने वाली माटी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको ये ध्यान देना है कि इसका फीनोटाइप रेशियो हमेशा 3:1 होता है और उसका जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है।